बालों की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे एक विशेष तेल के बारे में जिसे कि आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में लिखा है। बालों की समस्याओं को लेकर हमने कई वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद भी कई लोगों के सवाल थे कि आयुर्वेद में और क्या क्या है, और कुछ अगर नया हो बालों के लिए तो हमें जरूर बताएं। तो उन सभी के लिए आज हम लाए हैं आचार्य चरक द्वारा लिखा गया एक विशेष तरह का तेल जो कि नश्य कर्म करने से बालों पे विशेष इफेक्ट दिखाता है, और सिर्फ बाल ही नहीं गले के ऊपर के सभी रोगों में उसका एक चमत्कारी फायदा है। सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तेल की जिसे नश्य करने से, नाक में डालने से उसका इफेक्ट आपको बालों पे दिखेगा। उसका नाम है अणु तेल। अब ये अणु तेल क्या होता है उसे जानने से पहले इसके क्या क्या फायदे हैं उसे हम जान लेते हैं। मेरे पास ये चरक संहिता है, चरक ऋषि द्वारा लिखी, और इस चरक संहिता के सूत्र स्थान के पांचवें अध्याय में चलते हैं। वहां पर वो ऐसा कहते हैं, अगर इस तेल का प्रयोग किया जाए तो क्या क्या फायदे होते हैं बालों पर। तो उन्होंने कहा है, न शिव श्वेता न कपिला केशा श्रमशुनु वा पुनः। उन्होंने कहा है कि जो भी दाढ़ी मूछ या सिर के बाल हैं, अगर इस तेल का प्रयोग किया जाए तो वो सफेद जल्दी नहीं होते और ना ही भूरे होते हैं। अगले श्लोक में वो कहते हैं, न क्रेशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः, अर्थात बाल गिरते नहीं, झड़ते नहीं और विशेष रूप से बढ़ने लग जाते हैं। दाढ़ी सिर और मूछ के बाल, दाढ़ी और मूछ के बाल पुरुषों के ही, स्त्रियों के नहीं, और स्त्रियों के जो बाल हैं या पुरुषों के जो बाल हैं सिर के बाल, वो बहुत अच्छे से बढ़ने लग जाते हैं। और क्या फायदा है इस तेल का, तो वो कहते हैं, मन्या स्तंभ शिरः शूलम अर्दितम हनुसंग्रह। ये तो सिर्फ बालों की कॉस्मेटिक उन्होंने लाभ बताए। अब बीमारियों की बात करते हैं। अगर मन्या स्तंभ, बहुत से लोग हैं जिनकी गर्दन स्टिफ नेक हो जाती है, गर्दन अकड़ जाती है वैसे लोगों की, और सिर दर्द, जिन लोगों को किसी भी तरह का हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, वो चाहे माइग्रेन हो, आधा सीसी हो, या फिर किसी भी तरह का आपको हेडेक होता हो आगे पीछे किसी भी साइड में। अर्दित फेशियल पैरालिसिस बहुत से लोगों को होता है, मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाता है जिनका, उसे फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। उसमें हनुसंग्रह, जिनकी ये जॉ है ये स्टिफ हो जाती है, ये अकड़ जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आगे फायदा इस तेल का है, पीनस अर्धाव भेद कौच शिरः कंपश्च शम्यति, जिनको नाक से पतला पतला पानी गिरता है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द या कंपन होती है, या अर्धाव भेदक जिन्हें माइग्रेन की तकलीफ है, उन सभी में इसका बहुत अच्छा फायदा है। शिरः शिरः कपाला नाम संध्य स्नायु कंडरा, सिर की जितनी भी आर्टरीज, वेन, नर्व, ये जो कुछ भी है, जितनी भी ब्रेन की क्रैनियल नर्व है या ब्रेन में जो भी मर्म है, विशेष जो पॉइंट है जहाँ चोट लगने से मौत हो जाती है, वो सारे के सारे नरिश हो जाते हैं इस तेल से। और भी इसके बहुत सारे फायदे बताए हैं कि फेस का ग्लो बढ़ जाता है, और चेहरे के ऊपर की जो कोई भी रोग या तकलीफें होती हैं उसमें ये फायदा करता है। और अंत की दो लाइनों में उन्होंने इसके कमाल के बेनिफिट बताए। वो कहते हैं कि सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति चाधिकम्, सभी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान या फिर त्वचा, जी, ये सारी की सारी एकदम स्मूथ, एकदम अच्छे से नेचुरल काम करने लग जाती हैं, और इनका बल भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आगे कहते हैं, न चश्य रोगा सहसा प्रभवत्य ऊर्ध्व जत्रुया, अर्थात गले के ऊपर के रोग कभी भी सडनली नहीं होंगे। आप बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा कि ठीक थे, अगले दिन लकवा आ गया, या फिर अचानक से ही बाल झड़ने लगे, अचानक से कोई रोग आ गया, इस ऑयल का यूज करने पर वो सभी रोग नहीं होंगे। लास्ट एक और फायदा उन्होंने बताया है कि जीर्या च उत्तमम अंगेषु जराना लभते बलम, अर्थात जल्दी बुढ़ापा नहीं आता और लंबे समय तक चेहरे की या बॉडी की, फेस की, बालों की जवानी बनी रहती है। अब इतने सारे फायदे देने वाला ये अणु तेल ये बनता कैसे है, तो आयुर्वेद में कई तरह की विशेष औषधियों का काढ़ा बनाने के बाद उस काढ़े को बकरी के दूध के अंदर बनाकर पकाकर इस दवाई को बनाया जाता है। ये आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में अवेलेबल है। इसका यूज कैसे करना है, तो चरक ऋषि ने इसके जितने भी ये सारे फायदे बताए हैं वो नश्य कर्म में बताए हैं, अर्थात इसे नाक में डालने के इतने सारे लाभ बताए हैं। अब ये नश्य कर्म क्या घर पे किया जा सकता है,
तो नश्य कर्म घर पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें 8, 16, 32 ड्रॉप ऐसे कई गुण बड़ी मात्रा में डाला जाता है। तो इसे आप किसी भी नजदीकी आयुर्वेदिक शॉप या डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं। इसे 7 दिन में 3 बार करना होता है, और अगर इस नश्य कर्म को किया जाए तो इतने सारे फायदे इस अणु तेल के मिलते हैं। आपके साथ अगर ऐसा है कि आप इसे घर पे ही यूज करना चाहते हैं, तो सिर्फ इसकी 2-2 बूंद मात्रा अगर आप नाक में इसे यूज करें तो लंबे समय तक यूज करने पे उसके ये सारे फायदे मिलेंगे। आयुर्वेद में कहा है जो नश्य कर्म है, जो बड़ी मात्रा में नाक में तेल या घी या ये औषधि डाली जाती है, वो तुरंत रिजल्ट देता है, और ये जो 2-2 ड्रॉप डालने वाला है वो लंबे समय तक यूज करने पे अपना रिजल्ट दिखाता है। तो बालों के लिए अगर आपको कोई टॉनिक यूज करना है, आपने बहुत सारे तेल, साबुन, कंडीशनर ये सब सिर पे लगा के ट्राई किया होगा, पर अगर आपको ब्रेन, बाल और गले के ऊपर के सभी ऑर्गन को नरिश करना है, तो उसके लिए अणु तेल सबसे बेस्ट दवा है। आप इसे किसी भी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर या मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। तो बालों की समस्या में अणु तेल का प्रयोग आप जरूर कीजिए, आपको फायदा पक्का मिलेगा। आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए YouTube पे ओज आयुर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।